नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है पैट एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पैट की जो क्लास है वो आपकी रेगुलर चल रही है, और जैसा कि जीए जो आपका जनरल अवेयरनेस है, यानी सामान्य जागरूकता, स्टैटिक जीके भी बोलते हैं, और स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है। और इसी को लेकर हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं स्टैटिक जीके, वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके जो है आपकी 10 नंबर की रखी जाएगी, और 10 नंबर में ये आपका टॉपिक है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे। और जो मैं आज में सम्मिलित करूँगा सभी प्रश्न जो है द्वारा, जो भी सभी प्रश्न पूछे उन्हों को भी हम जो है सम्मिलित करेंगे, कौन कौन से दिवस पूछे गए, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। पर एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय से मतलब है जैसे कि भारत से मतलब है। जैसे अगर कोई पूछ रहा है आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, अगर आपसे पूछा कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय से मतलब है कि जो भारत से संबंधित है, कि यानी कि भारत का जो मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो है। तो राष्ट्रीय आप अपने देश से संबंधित मान के चलिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय अगर आप मान के चलेंगे तो विश्व, ठीक है, विश्व से आप जो है मान के चलेंगे। कहीं भी देख, कहीं तो अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ, कहीं विश्व भी लिखा हुआ। जैसे कि हम मान लें विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, तो इसी यहाँ भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में भी अगर प्रश्न मिल जाए तो आप उन दोनों चीज़ों को एक ही सम्मिलित मानिएगा, एक ही चीज़ मान के चलिएगा। इसमें आपको कन्फ्यूज जो बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। तो हम एक एक शुरुआत करेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन महीनों में जो भी दिवस पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम जो है शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनवरी के माह से। तो जनवरी में कौन कौन से जो दिवस हैं जहाँ से प्रश्न परीक्षा में जो है रखा जाता है, देखिएगा। जैसे कि हम बात करेंगे 4 जनवरी, 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। ब्रेल क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा, जो जिन्हें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, जो आँखों से नहीं देख सकते हैं उनके लिए एक ब्रेल जो लिपि होती है, ये क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है, जो अंधे लोग होते हैं वो इस ब्रेल से जो पढ़ सकते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, किस लिपि से, ब्रेल लिपि। तो यहाँ पे ब्रेल जो थे जिन्होंने इसकी जो लिपि की जो बनाई थी, जिन्हें को लिपि उन्होंने जो है इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा है 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे आगे 10 जनवरी की, 10 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कब मनाते हैं, 10 जनवरी को, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 12 जनवरी की, 12 जनवरी तो यहाँ पे मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय से मतलब है कि भारत में मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, जो खाली भारत में ही मनाया जाता है, ऐसा नहीं कि अन्य देशों में, अन्य देशों से मतलब है अंतर्राष्ट्रीय जहाँ लिखी होगी तो पूरे विश्व में वो चीज़ मनाई जाती है। राष्ट्रीय का मतलब है कि अपने देश में, अपने भारत में वो चीज़ जो है मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आपने नाम सुना होगा, उनके जन्म दिवस मनाया जाता है विवेकानंद, ठीक है, उनका जन्म दिवस है, कब है वो आपका है 12 जनवरी, ठीक है। तो 12 जनवरी में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी, 15 जनवरी, ठीक है। तो जो 15 जनवरी आपका है, 15 जनवरी मनाते हैं थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। तो ये थल जो सेना दिवस है आपका वो भारत के लिए है, ठीक है, यहाँ पर भारत में मना ओनली, ऐसा नहीं पूरे विश्व में ये जो 15 जनवरी को थल सेना दिवस, हर देश की एक थल सेना सबकी अलग अलग होती है, तो अपने यहाँ पर 15 जनवरी को जो थल सेना दिवस मनाते हैं, यानी 15 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी डेट को, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं 24 जनवरी,
24 जनवरी, ठीक है, जो 24 जनवरी आपकी है यहाँ मनाते हैं, और राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा बालिका दिवस यहाँ पर राष्ट्रीय है, ठीक है, अपने देश में मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, मतदाता दिवस, ठीक है। अगर आप 18 साल के हो गए होंगे तो निश्चित रूप से आपने मतदान का जो प्रयोग किया होगा, ठीक है, तो बूट आप करते हैं मतदाता से बोलते हैं, तो उसे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 26 जनवरी की, किसी बात हम बात करेंगे 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, कौन मनाते हैं, भारत देश मनाता है 26 जनवरी को, ठीक है। जनवरी में एक और दिवस पूछा जाता है 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, क्या मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये प्रश्न जो है यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, ठीक है, 30 जनवरी वाला शहीद दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी को हुई थी, तो उनकी याद में शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं, किसे, अब ध्यान रखिएगा शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो 30 जनवरी को हुआ था, इस उनकी सॉरी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को, तो उन्हीं की में शहीद दिवस मनाते हैं। जनवरी के आपके ये हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब हम बात करेंगे फरवरी की, फरवरी और जैसा कि जब आप छोटे होंगे तब आपने सुना होगा कि जनवरी जान से प्यारी फरवरी में फुर्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ एक ऐसा कुछ लोग बोलते थे बच्चे, पर मुझे आज याद नहीं आ रहा, ठीक है। फरवरी में हम बात करेंगे 4 फरवरी जो महत्वपूर्ण है आपकी, 4 फरवरी जो 4 फरवरी है वो आपको मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बीमारी आजकल बहुत देखने को मिल रही है, विश्व कैंसर दिवस। तो कब मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर के दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईश्वर ना करे किसी को ये बीमारी लगे। अब हम बात करेंगे 14 फरवरी, 14 फरवरी की अगर हम बात करेंगे तो इस दिवस को बताने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं, आपको पहले से ही पता होगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी को जो है आपका वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 21 फरवरी की हम बात करेंगे, तो 21 फरवरी को जो आपको मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। मातृभाषा क्या होती है, जो अपनी माता से प्राप्त होती है, जैसा कि मुझे प्राप्त हुई है मातृभाषा से हिंदी भाषा, जो आपकी माता सिखाती है, जो सर्वाधिक आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं, अपनी मातृभाषा क्या मान सकते हैं, हिंदी आप जो है मान सकते हैं, ठीक है। 21 फरवरी अब हम बात करेंगे 28 फरवरी की हम बात करेंगे तो क्या मनाया जाता है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा जो है परीक्षा में पूछा जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 28 फरवरी। चलो आगे हम बढ़ कर लेते हैं अब मार्च, ठीक है, मार्च के महीना, ठीक है, जो मार्च में है जो इंपॉर्टेंट जैसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, 3 मार्च है आपका, 3 मार्च जो है, चलो देखिए 3 मार्च आपका पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्च में क्या है, विश्व वन्य जीव
दिवस, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 3 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च, ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 मार्च जो है, 22 मार्च आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एक तो 8 मार्च वाला और आपका ये है 22 मार्च विश्व जल दिवस, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे हम बात करेंगे 23 मार्च, इसको तो आप जानते होंगे, 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम, वो मनाते हैं हम शहीद दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं, जिसमें क्या था, भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह और सुखदेव, जैसे कि आपको पता होगा इतिहास तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, पेट में इतिहास आगे चीज़ें आएंगी, तो 23 मार्च को इन्हें क्या था, इन्हें जो है फांसी दी गई, तो शहीद रूप में भी इसे हम मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 23 मार्च को ये हुआ था। एक हम बात करते हैं 24 मार्च, 24 मार्च में जो है मनाया जाता है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय तपेदिक, तपेदिक का जानते होंगे आप, टीबी दिवस कब मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस, टीबी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीबी आपने बीमारी देखी होगी शायद, अब तो बहुत कम जो है भारत में देखने को मिलती है, एक समय ऐसा था कि टीबी बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ करती थी, मेहनत ज़्यादा लोग करते थे उस हिसाब से जो है टीबी बहुत होती थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्च का, ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे आपकी अप्रैल के माह की, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं इसमें, ठीक है, देखिएगा 7 अप्रैल, इसमें आप सबसे पहले हम रखेंगे 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य आप जरूर रहिए, स्वस्थ रहिएगा, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि पहला सुख क्या है, निरोगी काया, मतलब निरोगी काया मतलब स्वस्थ हैं आप, तो सबसे बड़ा सुख यही होता है, दूसरा सुख क्या होता है, घर में माया, ठीक है, तो पहला सुख है उसे इम्पोर्टेंट आप रखिएगा, जब आप पढ़ेंगे इन चीज़ों को रखेंगे, पेट परीक्षा पास करेंगे, एग्जाम देंगे, तो माया भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो आप स्वास्थ्य, सबसे पहले आप स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ने भी मन लगेगा आपका, ठीक है, तो यहाँ 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, यहाँ पर स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ठीक है। चलो हम अब आगे बढ़ लेते हैं, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वो मनाया जाता है अंबेडकर जयंती, जैसे कि आपको पता होगा अंबेडकर जयंती, तो अंबेडकर जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, इन्होंने क्या है, संविधान प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष यही थे, तो संविधान जो आपका बनाने की जो प्रारूप समिति थी उसके यही अध्यक्ष थे अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो यानी इनका जो है जयंती जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल को हुआ है, कब, 14 अप्रैल को हुआ। चलो आगे बढ़ लेते, 18 अप्रैल, ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 18 अप्रैल को, 18 जो अप्रैल है, अगर आपको आगरा या कोई भी स्मारक घूमने का शौक है, तो 18 अप्रैल को, जैसे हम आगरा में जाते हैं, ताजमहल हो, चाहे यहाँ पे अकबर का टॉम है, या वो है आपका अकबर का मकबरा, और लाल किला भी है जो अकबर ने बनवाया था आगरा में, और भी है यहाँ पे
स्थल तो फ्री हो जाते हैं। 18 तारीख को सब फ्री होते हैं। मैं जो है एक बार अचानक से 18 तारीख को ही घूमने चला गया मैं ताजमहल, तो सॉरी तो वो फ्री था बिल्कुल, तो मैं चलो देख लेते हैं। 18 तारीख को जो है स्मारक फ्री होते हैं क्योंकि विश्व विरासत दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है 18 अप्रैल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 22 अप्रैल। सॉरी, जो 22 अप्रैल है वो हम मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी बिना कुछ नहीं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को। चल एक हम बात करेंगे 24 अप्रैल। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं भारत, क्या है इसे पंचायती राज जो है दिवस मनाता है, पंचायती राज दिवस मनाता है कौन, भारत मनाता है। क्योंकि 24 अप्रैल को ही जो है जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में, राजस्थान नागौर में जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। मई, हम अगर मई की हम बात करेंगे, ठीक है, मई में क्या है, देखिए एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक या मजदूर, ठीक है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 1 मई को, विश्व श्रमिक या मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 मई की, अब हम बात करेंगे 3 मई की, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आजकल तो आप देख ही रहे होंगे स्वतंत्र, कितना प्रेस जो है स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को जो है मनाया जाता है आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे 8 मई। देखो 8 मई, ये प्रश्न मई वाले कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, अप्रैल मई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मई जो आपका मनाया जाता है वो विश्व रेड क्रॉस दिवस है, विश्व रेड क्रॉस। ठीक है, ये एक संस्था है रेड क्रॉस, तो ये जो इस दिवस जो वो मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है 31 मई वाला। ठीक है, विश्व तमाकू निषेध दिवस, विश्व निषेध दिवस के रूप में किसे मनाते हैं हम, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगर आप गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ भी अगर लेते हैं तो आज ही से पढ़ लीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है स्वास्थ्य। जैसा कि भाई बोला था जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, 7 स्वास्थ्य, थोड़ा आप थोड़ा क्रम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, 7 स्वास्थ्य। ठीक है, तो अप्रैल को क्या स्वास्थ्य आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ध्यान रखें ये। चलो अब आगे हम बढ़ लेते हैं, अब हम बात करेंगे, भाई मई हो गया, अब हम बात करेंगे जून। जून जान से प्यारी ऐसा कुछ बोलते थे बचपन में, आज मुझे पूरा जो वाक्य याद नहीं आ रहा, याद करने की कोशिश तो बहुत कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है 5 जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, जब पर्यावरण अच्छा होगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तो पर्यावरण जो आपका दिवस कब मनाया जाता है 5 जून को। ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है तो अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व बहुत पूछा जाता है प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को, हर वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 14 जून, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, जो रक्तदान करते हैं ना, रक्तदान करते हैं, वो 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 21 जून की अगर हम बात करेंगे, 21 जून को जो मनाया जाता है वो आप मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये तो आपको सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये तो भारत ने शुरुआत करवाई इसकी, तो आपको पता तो होगा ही होगा निश्चित रूप से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से इसकी शुरुआत हुई है, 2015 से। ठीक है, 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई है, 21 जून। ठीक है,
आप योग जरूर करिएगा। सुबह सुबह योग करना बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। योग जरूर चाहे 10-15 मिनट ही करिए, लेकिन योग सुबह उठ करके जरूर करिएगा। 2 मिनट जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठिएगा, थोड़ा माइंड भी अच्छा फ्रेश होता है, ठीक है। 21 जून को मनाया जाता है। चलो भाई आगे हम बात करेंगे 29 जून की। तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे जुलाई, जुलाई जैसे यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होती है आपकी जुलाई से अक्सर देखा होगा, तो जुलाई में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 11 जुलाई इम्पोर्टेंट है, ये कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 8 मार्च वाला, कन्फ्यूज मत होइए, 8 मार्च को वहां पे विश्व महिला दिवस है, यहाँ विश्व जनसंख्या दिवस है, तो ध्यान रखिएगा 11 जुलाई का मनाया विश्व जनसंख्या। याद कैसे कर सकते हैं कि जुलाई में आप जैसे कि 1 जुलाई डबल कर दिया, एक एक यानी कि 1 जुलाई को जब स्कूल खुल दिए तो भीड़ जो है जनसंख्या बच्चों की बहुत ज़्यादा इकट्ठी होना शुरुआत हो जाती है, तो इसे 1 जुलाई ने याद करें 2/11, क्योंकि एक बच्चा तो स्कूल में आता नहीं, बहुत सारे बच्चे आते हैं एक एक करके, तो 2 आप जो मान सकते हैं 11 जुलाई, इस तरह से आप याद कर सकते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलो अब हम बात करेंगे 26 जुलाई की, 26 जुलाई को मनाते हैं हम कारगिल दिवस, कारगिल दिवस। कारगिल आपका नाम सुना होगा, कहाँ है आपका ये? जम्मू कश्मीर पड़ता था पहले, अब लद्दाख में पड़ गया है, ठीक है। तो 26 जुलाई कारगिल दिवस, ठीक है। तो कारगिल युद्ध हुआ था, किससे हुआ था? पाकिस्तान से हुआ था 1999 में, ठीक है। तो यहाँ पर कारगिल दिवस मनाते हैं उसकी विजय के लिए, ठीक है, 26 जुलाई। अब हम बात करेंगे 29 जुलाई, 29 जुलाई की अगर हम बात करेंगे तो वो है विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। ये प्रश्न यूपी SSC ने पूछा है, ध्यान रखिएगा विश्व बाघ दिवस, ठीक है। विश्व बाघ दिवस आपका कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई, ठीक है, विश्व बाघ दिवस। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट था ये। अगस्त की हम बात करेंगे भैया, ठीक है। अगस्त के माह की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7 अगस्त मनाते हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, हथकरघा, ठीक है। जो हथकरघा उद्योग होते हैं, जो जिनमें हाथों से काम किया जाता है, हाथ की जो कलाकारी है वो दिखानी पड़ती है, उसमें हाथों से बहुत सारा काम ऐसे होते हैं जो हाथ से किए जाते हैं, जैसे कि कढ़ाई है, बुनाई है, तो हथकरघा बोलते हैं। तो हथकरघा दिवस का मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को ये प्रश्न जो है परीक्षा, जब मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न ने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 अगस्त को मनाते हैं हम विश्व युवा दिवस। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे आपको कन्फ्यूज होंगे निश्चित रूप से। मैंने अभी बोला था राष्ट्रीय युवा दिवस मैंने आपको कब बताया था? अभी शुरुआत में जनवरी में आपको जब पढ़ा रहा था कि आपका वो कब है, 12 जनवरी को क्या है आपका? एक बार देखता हूँ यार, क्या है वो? 12 जनवरी दिवस आपको राष्ट्रीय युवा दिवस है, यानी कि भारत में मनाया जाता है, और ये 12 अगस्त है इसका, तो बुक आपका कब हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्व युवा दिवस है, ठीक। वो विवेकानंद की जयंती मनाते हैं हम राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, या 12 अगस्त सेम डेट है, विश्व युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे हम बात करेंगे 15 अगस्त, ये तो आपको सबको पता ही होगा, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस आपका कहाँ मनाया जाता है? जो है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता ही है, ठीक है।
तो वो आपका जो है कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 29 अगस्त की। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं, ध्यानचंद्र की जयंती है। ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती है यहाँ पर। ठीक है, उनकी यादें मनाते हैं 29। ध्यानचंद्र कौन थे? जो हॉकी के जादूगर कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम बात करेंगे अब सितंबर की। किसकी हम बात करेंगे? सितंबर माह की हम बात करेंगे। ठीक है, सितंबर की हम बात करेंगे तो सितंबर में जो आपका 5 सितंबर, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऐसा मानिएगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। जो राधा कृष्ण के जन्मदिन, राधा कृष्ण जन्म दिवस पर मनाया जाते हैं, जन्म, ठीक है, जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय, मानिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 8 सितंबर, 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। साक्षरता होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए इस बात को। आपके आस पड़ोस में अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो उसकी हेल्प करिए, साक्षर करिए उसे। ठीक है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को शिक्षक जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 14 सितंबर, 14 सितंबर को मनाते हैं हम, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस मनाते हैं हम, ठीक है, हिंदी मनाते हैं। वहाँ पर भी शुरुआत में मातृभाषा दिवस बताया था, ठीक है, तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा। 14, अब बात करेंगे 16 सितंबर, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। 16 सितंबर जो आपका मना, वो अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस, राष्ट्रीय योजन दिवस है, योजन या कही योजन जो गैस होती है, संरक्षण दिवस, संरक्षण दिवस। ओजोन जो होती है, जो बहुत घातक है, जो ओजोन की जो किरणें होती हैं, परावैगनी किरणें, जो ओजोन जो परत होती है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो आपकी परावैगनी जो किरणें जो नुकसानदायक है मनुष्य के लिए, तो ओजोन जो परत है ये रोक लेती है वहाँ पर। ठीक है, तो ओजोन जो है संरक्षण, ऐसे बचाना बहुत जरूरी है। तो ओजोन संरक्षण दिवस तो बस कब मनाया जाता है? 16 से। ओजोन एक होल है, वो कहाँ है? वो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, यही प्रश्न परीक्षा पूछा जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आपका ये हो गया सितंबर। अब हम बात करेंगे अक्टूबर, क्या बात करेंगे हम? अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर में जैसा कि आपको पता ही होगा, अक्टूबर में 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर ये तो सबको अब पता ही होगा, 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जयंती। एक और यहाँ पर जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की यहाँ भी जयंती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर में एक और मनाया जाता है, विश्व अहिंसा दिवस, विश्व अहिंसा दिवस। अरे गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, कि अहिंसा मत करिए। तो ये जो है 2 अक्टूबर जो है उन्हीं पर रखा है, विश्व अहिंसा दिवस। ठीक है भैया, आगे हम बात करेंगे 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अंतर, 5 अक्टूबर हम बात करेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस है, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है?
अभी हमने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में बात की थी, इससे सितंबर 5 सितंबर के आसपास है, क्या बताया था हमने, सितंबर के माह बताया था आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो राधा कृष्ण जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 सितंबर था, ये 5 अक्टूबर है, तो ध्यान रखिएगा 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर 5 अक्टूबर ध्यान रखिए, वहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये यहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर मनाते हैं वायुसेना दिवस, वायुसेना भारत की जो वायुसेना है उसे मनाते हैं वायुसेना दिवस, ठीक है, भारत के लिए मनाते हैं, भारत मनाता है इसे वायुसेना के लिए, ठीक है। एक बार जनवरी में जो हमने बात की थी वो थल सेना होगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 9 अक्टूबर, और भैया 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, वो मनाते हैं विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। अब तो डाक का काम बहुत कम हो गया, अब तो डाक से बहुत कम चिट्ठियां जो है आती हैं, पहले बहुत हुआ करती थी, पहले बहुत जो है डाक से जो व्यवस्थाएँ की जाती थी, पहले प्रेम पत्र भी डाक द्वारा भेजे जाते थे। जब मैं बहुत छोटा था, हमारी बुआ जी थी, हमारे फूफा जी फौज में थे, तो जो डाक द्वारा वो लेटर भेजा करती थी, ठीक है, तो वो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, 9 अक्टूबर को हमारी बुआ जी का जन्मदिवस भी था, तो हम बहुत अच्छी तरह से याद हो गया था कि 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे 11 अक्टूबर की हम बात करेंगे, तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भैया कोई जान परिचय का दिख रहा तो हमारी भूया जी से कोई शिकायत नहीं करेगा, ठीक है, मैं तो बस आपकी याद करने के लिए चीज़ बता दिए, ठीक है, याद करिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 11 अक्टूबर, ठीक है। चलो भैया हो गया, अब हाँ 16 अक्टूबर अभी और इसमें है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका, 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व खाद्य अक्टूबर में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अक्टूबर मिलेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं आपके 16 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम, 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, तो कब मनाते हैं हम, वो मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ठीक। एक प्रश्न और है, 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, अक्टूबर, ठीक है, मानिएगा इसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये किसी का जन्म दिवस है, शायद वल्लभ भाई पटेल का है, एक बार जो है चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब अक्टूबर हो गया, अब बात करेंगे हम नवंबर, क्या बात करेंगे हम, नवंबर की हम बात कर लेते हैं भैया। चलो भैया नवंबर में आ गए था, एक मानसून रह गया है आपका, इसके बाद दिसंबर, ठीक है। नवंबर में देखिएगा 14 नवंबर का ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, बाल राष्ट्रीय बाल दिवस के, ये बाल दिवस के रूप में मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू की याद में, ठीक है, 14 नवंबर को, 14 नवंबर को एक और मनाते हैं विश्व मधुमेह दिवस कहिए, ठीक है, यानी कि डायबिटीज, मोटे लोगों में ज़्यादातर बीमारी मिल जाती है मधुमेह की, तो ध्यान रखिएगा मोटा बिल्कुल ही मत होइए, तभी तो कह रहा हूँ कि योग करिए, 21 मई को जो मनाया जाता है योग करिए, योग बहुत ज़रूरी है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया तो स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। 31 मई को क्या है, तम्बाकू दिवस है, तो उसको ध्यान रखिएगा, तो सारी चीज़ें आपको जब आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 14 नवंबर की बात होगी, अब हम बात करेंगे 21 नवंबर में जो आपका मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस,
टेलीविजन तो भैया सबने देखा है, टेलीविजन दिवस, ठीक है। टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टेलीविजन, टेलीविजन टीवी सब लोग देखते हैं कि नहीं देखते? सभी लोग देखते हैं, तो 21 नवंबर को याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं 26 नवंबर की। 26 नवंबर की क्या है? 26 राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है कि इस दिन क्या था, अपना संविधान जो है, संविधान आपका स्वीकार किया गया था, ठीक है। चलो मैं ऐसे बोल देता हूँ, संविधान जो है स्वीकार किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है। तो आप यहाँ से चल दिसंबर, आगे धीरे धीरे लास्ट मंथ पर आ गए हम दिसंबर में। दिसंबर में देखिए 1 दिसंबर जो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है 1 दिसंबर, ठीक है, जो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व एड्स मनाते हैं, ठीक है, विश्व एड्स दिवस, ठीक है, ध्यान रखिए विश्व एड्स दिवस को मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा, दिसंबर सर्दियाँ तो हो जाती हैं, तो 1 दिसंबर बहुत सर्दी पड़ती है, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाता है, राष्ट्रीय नौसेना भारत क्या मनाता है, नौसेना सभी दिवसों की भारत, चलो दिवस नहीं लिख पाया, नौसेना दिवस मनाता है। पहले थल सेना की बात हुई, फिर वायुसेना की बात हुई, अब नौसेना की बात हो रही है। चल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व, ये अंतर्राष्ट्रीय कही है, विश्व मानवाधिकार, मानवाधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस के रूप मनाते हैं। 23 दिसंबर, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 23 दिसंबर वाला काफ़ी पूछा जाता है, ये हमारा किसान रूप में मनाते हैं, राष्ट्र किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। क्यों मनाते हैं? चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता बोले जाते हैं, चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनकी जन्म दिवस पर जो है, उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आती है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है, एक डेट और रहेगी आपकी, अच्छा हाँ 24 दिसंबर आपका हो गया, 3 दिसंबर, एक ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यूपी टपलासी ने पूछा है, 3 दिसंबर को मनाते हैं हम विश्व विकलांग दिवस, विश्व विकलांग दिवस, ठीक है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, 3 दिसंबर को, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो PDF है वो आपको इसके साथ, वीडियो के साथ ही मिल जाएगी, लेकिन मैं जो बोल बोल के आपको इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो नवंबर में क्या था आपका, 14 नवंबर बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू की याद में है, विश्व मतभेद भी दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। किसान दिवस बहुत प्रश्न पूछा जाता है, 24 दिसंबर ही पूछा जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है उसे प्रश्न थे सारे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनसे कोई प्रश्न आपका बाहर भी नहीं जाएगा, आप 4 से 5 बार अगर इसे रिविजन कर लेंगे ना, तो जब भी आप लेट हैं, रात को जब खाना पीना खा के जब पढ़ के जब लेट हैं, तो एक मंथ, सिर्फ एक मंथ पढ़िएगा, एक मंथ का गणा ये पूरा याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले उठाना जनवरी वाला, और जनवरी वाला जो है आप पढ़ना 2 दिन, ठीक है, बार बार रिवाज करना, जब सोने जाओ तभी पढ़ ले जाओ, फिर दिमाग में चलाओ चीज़ें, मनन करो वो इसका कौन सा दिवस होता है, कौन सा दिवस किस तरह, तो ये सारी चीज़ें आप 4 से 5 बार करोगे, फिर क्वेश्चन लगा लोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से कर लोगे, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आ रही होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।